अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसन रजा शो। एज यू नो मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। वीक में मेरी 4 से 5 वीडियोज आती हैं आपके स्टाइलिंग और ग्रूमिंग से रिलेटेड। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। मूविंग ऑन गाइस, एक जमाना था जब कॉर्डुरॉय को काफी फेम हासिल थी, काफी ट्रेंडिंग थी और लोग पसंद करते थे। हर एक स्टाइलिस्ट और एक फैशन रॉक स्टार के वार्डरोब में एक पेयर पाया जाता था कॉर्डुरॉय का, क्योंकि उस जमाने में बीटल्स ने इसको काफी पसंद किया था और अपने कुछ टूर्स में और फोटोशूट में उन्होंने कॉर्डुरॉय को ही इंपॉर्टेंस दी थी। उसके बाद काफी फेम मिली और फिर लोग पहनना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी फेम कम होती गई और फिर लोगों की वार्डरोब से भी जाता रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कॉर्डुरॉय में ज्यादा कलर नहीं आए थे। ग्रीन था, ब्राउन के कुछ शेड थे और कुछ ऑरेंज के शेड थे। तो उसके बाद ज्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। जब एक ही ज्यादा कलर नहीं थे, मल्टी कलर नहीं होते, तो उसको लोग आहिस्ता 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 अपनी वार्डरोब से दूर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये एक ओल्ड मैन च्वाइस बन गया। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जिनके पास वेलवेट खरीदने के पैसे ना हो वो कॉर्डुरॉय खरीद ले, क्योंकि वेलवेट सिल्क से बनती है वो एक्सपेंसिव होती है और कॉर्डुरॉय कॉटन से बनता है तो वो लेस एक्सपेंसिव होता है। तो गाइस एक बात सच बात बताऊं आपको कि कॉर्डुरॉय से ज्यादा वर्सटाइल फैब्रिक कोई वार्डरोब में नहीं हो सकता। मैं चीनोस का बहुत शौकीन हूँ, डेनिम का बहुत शौकीन हूँ, मगर मुझे कॉर्डुरॉय ज्यादा पसंद है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लाइफ चलती है, रिंकल्स नहीं पड़ते। और अगर सर्दियों में से ज्यादा सर्दियों में यूज करते हैं हम लोग, सर्दियों में आपकी बॉडी को काफी वार्म रखते हैं। मैं तो इसको स्प्रे फॉर्म में भी पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको बहुत ये अच्छा इसको पेयर कर सकता हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ। तो गाइस मैं आप सब शेयर करने वाला हूँ कि हम कॉर्डुरॉय को किस तरह से पेयर कर सकते हैं विद अदर आउटफिट्स, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे कलर्स आने लगे, ज्यादा कलर्स आने लगे, ज्यादा वराइटीज आने लगे, तो इसको और वर्सटाइल बना देती है। अब पहले तो सिर्फ ओवर शर्ट्स आती थी और ट्राउजर्स आते थे, अब ओवर शर्ट्स के साथ साथ बटन डाउन शर्ट्स भी आ रही हैं, जैकेट्स आ रही हैं, ब्लेजर्स आ रहे हैं, कुछ लोग सूट भी बनाते हैं, जो कि अच्छी और एक इंटरेस्टिंग मूव है। तो लेट्स डिस्कस कि हम कॉर्डुरॉय को किस तरह से अपने अदर आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं। तो गाइज मैं स्टार्ट करूंगा कॉर्डुरॉय शर्ट से। गाइज अगर आप अपने वार्डरोब में थोड़े से कलर ऐड करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी चाह रहे हैं कि आप लाइवनेस आ जाए इसमें, तो स्टार्ट विद द कॉर्डुरॉय शर्ट्स। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन मिल सकती है इसको विद अदर आउटफिट्स आपके। और अच्छी बात यह है कि कॉर्डुरॉय शर्ट्स में अब काफी कलर वैराइटीज आने लगी हैं। बर्गंडी आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, टैन कलर आ रहा है, खाकीज आ रहा है, नेवी आ रहा है, ऑलिव ग्रीन आ रहा है जो बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट है, ब्लैक आ रहा है। तो स्टार्ट करें कलर से और कोशिश करें जितना डार्क कॉर्डुरॉय हो उतना अच्छा है, इतनी ज्यादा अच्छी शर्ट लगेगी। उसको पेयर करें फिर लाइट कलर डेनिम से और चेल्सी बूट्स या वर्क बूट्स एक अच्छी और बेहतर चॉइस बन सकते हैं। गाइस कॉर्डुरॉय पैंट्स, अगर आपकी वार्डरोब में कोई कॉर्डुरॉय नहीं है तो यू शुड स्टार्ट विद कॉर्डुरॉय पैंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है, सॉफ्ट होती है और ड्यूरेबल होती है। तो आपके पास एक पेयर होना चाहिए, रखिए अपने पास, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके वार्डरोब में थोड़ा चेंज लेके आता है और आपकी आउटफिट में थोड़ा चेंज लेके आता है। और किसको चेंज नहीं पसंद गाइस, हर किसी को चेंज पसंद है और चेंज होना भी जरूरी है। तो अगर ये आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड गो विद ब्राउन या फिर टैन कलर। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये दोनों कलर बहुत वर्सटाइल है और काफी आउटफिट साथ अच्छा पेयर बन जाता है इनका। और अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स कोट के साथ डिफरेंट वैरायटीज के साथ एक अच्छा लुक दे सकते हैं। मैं मेरी बात वो समझ सकते हैं जो कॉर्डुरॉय यूज कर रहे हैं, उनको मैं पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो क्या वो उन्हें पता समझ रहे हैं मेरी बात कि वो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइज
फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो यू शुड गो विद द ब्राउन एंड टैन कलर्स, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो पहले से यूज कर रहे हैं तो उनके लिए एक बात बता दूंगा आपको, अब मार्केट में काफी कलर्स हैं, अब मैं सजेस्ट करूंगा नेवी कलर बहुत अच्छा है, ऑलिव ग्रीन बहुत अच्छा कलर है, ब्राउन में काफी शेड्स आ रहे हैं, तो यू शुड ट्राई वन। गाइज नेक्स्ट है कॉर्डरॉय सूट। गाइज मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कोई जैकेट लेनी है या फिर कॉर्डरॉय जैकेट लेनी है या फिर ओवर शर्ट लेनी है तो आई रिकमेंड कि आप पूरा सूट सिलवा लें, एक ही फैब्रिक का यानी कॉर्डरॉय एक ही कलर का सूट सिलवा लें, ये मल्टी कलर्स के सूट सिलवा लें, क्योंकि देखिए सिर्फ कॉर्डरॉय में ये फंक्शनैलिटी है कि आप इसको एक सूट को आप थ्री ऑप्शंस के साथ पहन सकते हैं, एक पूरा सूट पहन सकते हैं आप, एक आप ट्राउजर पहन सकते हैं उसको आप पेयर करें विद डिफरेंट आउटफिट के साथ, लेदर जैकेट के साथ या फिर टी शर्ट्स के साथ या फिर डिफरेंट लेयर्स के साथ, अगर आप जैकेट ले रहे हैं तो उसको आप पेयर कर सकते हैं चीनोस के साथ, जीन्स के साथ या डिफरेंट ट्राउजर्स के साथ, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये इट्स मीन कि आप एक पूरे सूट को तीन तरह पहन सकते हैं, जो ये अलग अलग ट्राउजर्स में जो डिफरेंट ट्राउजर्स और जो फैब्रिक होता है उसमें नहीं होती, ये ऑप्शंस नहीं होता, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से पुल ऑफ कर रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू। एंड सीरियसली गाइस आजकल इतने सारे कलर्स आ रहे हैं, बर्गंडी आ रहा है, ऑलिव ग्रीन अगर नहीं पसंद तो ग्रीन कलर बहुत अच्छा आ रहा है, नेवी कलर बहुत जबरदस्त है, ये आपको बहुत सूट करेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, आप किस तरह पेयर करते हैं दैट्स व्हाट ऑल काउंट्स। अब बात करते हैं गाइस ओवर शर्ट की। जब भी आप ओवर शर्ट ले रहे हैं कॉर्डरॉय तो मेक श्योर करें कि आप ओवर शर्ट के नीचे कुछ लेयर्स हो, टी शर्ट हो या पोलो हो या उसके साथ एक बटन डाउन शर्ट हो, वो उसको पेयर कैसे करना है ये आप खुद कर सकते हैं, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो गो विद बंच ऑफ लेयर्स और उसको पेयर करें अपनी चीनोस के साथ या डेनिम के साथ, टोटली अप टू यू। और शूज में अगर आप स्नीकर्स और बूट्स लें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगर आप विद अदर शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं इट्स टोटली अप टू यू, और अगर अच्छे लगे तो मुझे जरूर शेयर करेगा। तो गाइस कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा पसंद आया और कॉर्डरॉय को आप किस तरह यूज करना चाहते हैं या यूज करते हैं। ईमेल करें hasan@bargain.pk पर और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर फॉलो करें और खुश रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ब्लेस्ड स्टे हेल्थी, अल्लाह हाफिज़।